बिहार के दक्षिणी हिस्से में शनिवार को मौसम का मिजाज बदलने से कई क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली। गया, रोहतास समेत अन्य जिलों में शनिवार दोपहर को तेज बारिश का दौर शुरू रहा। बता दें, राजापुर और चेनारी में भारी बारिश तो सासाराम में भी बूंदाबांदी हुई। फतेहपुर में ठनका गिरने से एक पशुपालक की मौत हो गई। तो वहीं मौसम विभाग ने भोजपुर, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद और गया जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 2 से 3 दिनों में राज्य भर में चक्रवाती परिसंचरण बनने से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। हालांकि दक्षिणी हिस्से में अब तक बारिश नहीं होने से उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई थी। शनिवार को दक्षिण बिहार में मौसम का मिजाज बदला। गया, रोहतास, औरंगाबाद समेत आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वहीं मौसम का ये हाल 13 मई तक बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही जानकारी दी है और बताया है कि 13 मई तक यही हाल मौसम का देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। बिहार की राजधानी पटना में एक और जहां मौसम से राहत नहीं दिखा, तो वहीं तपती धूप से लोग परेशान हुए। हालांकि पूर्वा हवा ने लोगों को थोड़ी राहत दी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में रविवार को चक्रवाती परिसंचरण का असर कम होगा, जिसके बाद बारिश और आंधी का दौर थम जाएगा, जिसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी और फिर से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान होंगे। हालांकि रविवार को उत्तर बिहार के जिलों में आंधी, बारिश और ठनका गिरने की चेतावनी जारी की गई है। अन्य जिलों में भी मौसम सुहाना बने रहने का संभावना मौसम विभाग ने जताया है। वहीं ऐसे में खासकर ठनका गिरने और आंधी बारिश के वक्त घर से बाहर ना निकलने की अपील की है, क्योंकि वज्रपात की वजह से लोगों की मौत हो रही है। वहीं आपको बता दें कि रविवार के बाद से फिर से तापमान में वृद्धि होगी, जिससे फिर से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।